हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। सबसे पहले आपको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम सब परिवार सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अब शिव जी भगवान के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। इससे पहले हम नहा लिए, घर में पूजा पाठ की है। ये हमारी मैडम हैं, सुबह नहा धो के तैयार होके पूजा पाठ कर लिए और मंदिर के लिए तैयार हो चुके हैं। ये हमारा लड़का है और ये हमारी घर का मंदिर है। पहले हमने सुबह उठ के इधर पूजा पाठ की है। ये देखिए शिव भगवान की। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने सुबह ही नहा धो के तैयार होके तैयारी कर ली है। आज बाहर का दिखाते हैं आपको, घर के बाहर का माहौल। ये देखिए बाहर हमारे, बाहर का क्या मौसम, आज खुशगवार एकदम साफ है। हमारे खेतों में मकई उकई हो रही है। ये देखिए लौकी लग चुकी है, लौकी की हाल में देखिए कितनी बड़ी लौकी लग गई। और ये हमारे गमले हैं, गमलों में फूल पौधे जुड़ चुके हैं। लोग ये मंदिर के लिए चल पड़े हैं। देखिए दोस्तों यहाँ का आज मौसम खुला नीला आसमान हो रखा है। भोले बाबा की कृपा से आज मौसम साफ है। ये देखिए ये हमारे सास जी भी आ रखे हैं, आज मंदिर जाने के लिए तैयार हो रखे हैं और अब तैयारी है मंदिर जाने की। देखो दोस्तों, मंदिर के लिए हम जा रहे हैं, शिवालय के लिए। पंडेश्वर का पुराना प्राचीन मंदिर है इधर। लोगों की भीड़ लगी है, कई आ रहे हैं कई आ रहे हैं। जो हमें गौचरा हवाई पट्टी से होके जाना पड़ेगा। ये देखिए गोचर हवाई पट्टी, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ हवाई पट्टी है। देखिए वहाँ सामने एक हवाई हेलीकॉप्टर भी बैठा हुआ है। ये देखिए गोचर महाकालिंग का मंदिर भी है यहाँ पर। यहाँ पर जो लोग शिवालय के लिए जा रहे हैं वो जो है महाकालिंग का कभी, ये हमारा छोटा लड़का आगे आगे चल रहा है। महाकालिंग का मंदिर है, तो शिवालय में जा रहे हैं तो महाकाली के दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। देखो कितनी भीड़ है इधर, अच्छा हमको पार होना पड़ेगा। जो है माँ काली का मंदिर में है और ये लोग शिवालय से आ रहे हैं। देखो गोचर कितनी, तो दोस्तों ये गोचर है। आज यहाँ शिव जी का मेला लगा हुआ है, शिव जी मंदिर शिवालय है। और यहाँ की हम समय समय पर अपने YouTube चैनल के द्वारा आपको दिखाते रहते हैं। आज मैं आपको पन्नेश्वर में ले जाऊँगा, पन्नेश्वर मंदिर की तरफ चलते हैं हम। रास्ता है जो प्राचीन पन्नेश्वर मंदिर की तरफ जा रहा है। कोई मंदिर से आ रहे हैं कोई जा रहे हैं। ना ना मुझे ये है कि अगर निकाला है तो देख लो, कई मंदिर से आ रहे हैं कई जा रहे हैं। ये देखिए ये मंदिर भी यहाँ से चल रहा है।
देखो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ दबा दब हो रहा है मकानों का। पहले यहाँ पे खेती पाती होती थी, बहुत अच्छे यहाँ बासमती चावल होते थे, किंतु आस्ते आस्ते मकाने बन रही हैं। जो पन्नेश्वर मंदिर पहुँच चुके हैं, यहाँ बहुत भीड़ भड़ाका है आज भक्तों का, खासकर महिलाओं का ज़्यादा तांता लगा है। और यहाँ से देखिए प्राचीन मंदिर है, भीड़ है अंदर, पूजा पाठ हो रही है। बाहर का इलाका है, ये देखिए पूजा पाठ हो रही है। अंदर भीड़ ज़्यादा इसलिए हम बाहर से ही वीडियो बनाएंगे। तो शनि महाराज का भी है यहाँ पे, शनि महाराज के ये हो शनि देवता। ठीक है, आजकल तो महिलाओं का बच्चों का एक रूल बन चुका है, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं हो, सेल्फी लेने का एक दस्तूर बन रखा है। पूजा हो ना हो फोटो जरूर खींचनी चाहिए। देखिए मॉडर्न ज़माने में मंदिरों को भी मॉडर्न कर दिया हमारे भक्तों ने। जो बच्चा बैठा देखो, क्यूट बेबी, हाय कर, हाय। कभी अगली वीडियो में हम आपको अंदर गर्भगृह के दर्शन कराएंगे, आज भीड़ ज़्यादा इसलिए अंदर नहीं जा रहे हम। तो दोस्तों, मंदिर में भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम आपको अंदर का दिखा नहीं पाए, तो कभी जब भीड़ कम होगी तो हम आपको अंदर पन्नेश्वर बाबा के गर्भगृह के दर्शन करवाएंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। ये पानी की नहर है, नहर का पानी देखिए खेतों में जा रहा है, और यही रास्ता भी है इसके ऊपर। ये देखिए कैसे धान की फसल हो रखी है हम लोगों की, और ये देखिए इधर हमारा जो है वाचर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, चलो दोस्तों चलते हैं हम घर की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आपको और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपसे निवेदन है कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपको नई नई वीडियो दिखाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।